सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। थोड़ा गला ख़राब हो रखा है और अब जा रहे हैं एक इंटरनेशनल ट्रिप के लिए। मतलब एक हफ्ते से इसी चीज़ की भागदौड़ हो रही थी और इस टाइम से पहले कोई व्लॉग इसलिए भी नहीं आ रहा था क्योंकि इस ट्रिप की प्लानिंग चल रही थी। तो फाइन कैब में बैठ चुके हैं, यहाँ से कुछ रास्ता दिखा रहा है 56 मिनट का और ट्रैफिक देखो भाई, मैं तो अक्षरधाम पे ही हूँ भी। तो आगे मिलते हैं एयरपोर्ट पे, प्रगति मैदान के बेसमेंट से होते हुए। यार क्या कलाकारी करी, मतलब आर्ट आर्ट इसमें तो नहीं है, पर यहाँ साइड से कितना अच्छा लग रहा है। यार अच्छा टनल बना है, ऐसा भी नहीं छोटा मोटा लॉन्ग टनल है, ट्रैफिक भी कम है। फाइनली गाइस आई रीच्ड एट द एयरपोर्ट और भाई काफ़ी भीड़ लगी हुई है, देखो बहुत भीड़ है। तो पहले एंट्री ले लेता हूँ और फिर आगे ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। ये देख रहे हो पीछे मेरे पास, इसमें इतना सामान है ना, इतना सामान है मेरा पूरा ना, आज ब्लॉगर निकल जाएगा भाई इस कंधे को, ये कंधा टूट जाएगा भाई कसम से आज। तो हम आ गए हैं सिक्योरिटी जोन में, तो अभी सिक्योरिटी चेक कराते हैं, हमारा ये मिल गया है, बाकी मैं आपको बताता हूँ आगे चल के। देखो भाई जब व्लॉगिंग शुरू करी थी जब कैसे चल रहा था और अब देखो भाई, 1.5 घंटे से ज़्यादा लगा दिए भाई निकालने में यहाँ से, सिक्योरिटी चेक पासपोर्ट दिखा के भाई अब निकलूँ। ये देखो भाई लग्जरी लग्जरी चीज़ें। गोल्डन लाइट आ रही है, हाँ मज़ा ही आ गया भाई। चलो फटाफट लॉन्च के एक्सेस लेते हैं, खाना वाना खाते हैं भाई, बहुत बहुत भूख लग रही है। मतलब मैं फ़्लाइट के टाइम से बहुत जल्दी एयरपोर्ट पे आ गया हूँ जब ये हाल है भाई। ये लिया है मैंने डाइट कोक, राइस थे पता है राइस क्यों नहीं लिए, क्योंकि आज एकादशी है भाई। अब मैं राइस खा लेता तो घर वाले सुनाते, तो भाई एकादशी है, मैं तो ये ब्रेड के साथ ही पनीर खाऊँगा, मैं देखता हूँ क्या होगा। फाइनली मैंने नाचोज और एप्पल जूस लिया है, अब इससे मेरा पेट भर जाए और टाइम भी होने वाला है, अब अराउंड 10:27 होने वाले हैं। तो सो फाइनली फ्लाइट में बैठने जा रहा हूँ, काफ़ी एक्साइटेड हूँ भाई, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एक इंटरनेशनल ट्रिप का प्लान कर लिया। और बैकग्राउंड में देखो यार, प्लेन 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 भाई, अपने को बाहर मिली, अपने टांग बाहर निकाल के बैठेंगे मस्त आराम से, एरी विंडो सीट देखो भाई, किस्मत तो इतनी माड़ी है कोई आदमी ही आएगा, ऐसा आदमी आ जाए ठीक है यार। ये रहा, मैं तो भाई ऐसा कर लूँगा जैसे स्प्लेंडर से पैर बाहर निकालते हैं ना भाई, ऐसे पूरे बाहर निकाल लूँगा। ये रही अपनी स्क्रीन भाई, टच है क्या वो भाई, टच है टच है टच है, इस बटन को दबाऊंगा तो सीट मेरी पीछे चली जाएगी और इसे को फटी ली, कोई नहीं क्लासिक है। Sometimes a disaster, sometimes we're free. Oh, you take the long way to stay close to me. I don't want another, I just want to breathe. You take me higher, you stay close to me. Oh, I feel so alive, feel so alive. The dark won't close my eyes. Yeah, I feel so alive, feel so alive. Oh, we chase the night. Oh, I feel so alive, feel so alive. The dark won't close my eyes. Yeah, I feel so alive. तो फाइनली गाइज वी रीच एट द सिंगापुर एयरपोर्ट। भाई देखो क्या प्यारा बना रखा है ना, देखो यार मतलब बहुत प्यारा एयरपोर्ट बना रखा है, और कोई ऐसा भी नहीं कि ट्रैफिक हो या ऐसा सच कोई ट्रैफिक हो या कुछ हो, मतलब ठीक है। अभी तो मेरा लगेज आया नहीं है तो मैंने सोचा जब तक
वीडियो बना लूँ यार। बहुत क्वेश्चन पूछे, क्यों आए हो, क्या करने आए हो, ट्रैवल पर्पस से आए हैं, जब भी इतनी सारी चीज़ें पूछते हैं। जाऊँगा, कैब करूँगा और या MRT। MRT मतलब यहाँ पे मेट्रो को बोलते हैं, तो मेट्रो को MRT बोलते हैं यहाँ पे। तो अब देखता हूँ मैं कैसे जाऊँगा, क्या है। बाकी लुक एट द व्यू यार, मतलब कितना प्यारा बना रखा है, मतलब ग्रीनरी भी है। एक चीज़ और शेयर करता हूँ मैं यार, मैं ना फ्लाइट में जो अंकल बैठे हुए थे, मुझे तो लग रहा बवासीर ही था अंकल को यार। बार बार उठ के, मैं सो रहा हूँ, बार बार उठ के भाई टॉयलेट ही भग रहा। मैंने कहा चल कोई नहीं, भग ले भाई, तू कर ले नींद ख़राब, कोई नहीं, पूरे दिन मैं वैसे ही भी नहीं सोया, कर ले भाई। उसके बाद भाई गैस भी छोड़ रहा है भाई। मैंने कहा यार इसने तो मूड ही, बस भाई झेल लिया, बस मैंने वो झेल लिया उस बुढ़े को। और ऊपर से स्प्राइट और मार रहा है, कह रहा है एक गिलास स्प्राइट की फुल भर दो। एयर होस्टेस से कह रहा है, आधी आधी गिलास देती है ना वो, कह रहा है इसको फुल भर दो। मैंने कहा इसको फुल भर के पहुँचा के पूरा कर देगा, महक ही महक। वो ही है भाई। तो फाइनली अपना लगेज आ चुका है ये रहा। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा भाई कहाँ जाना है। मेरे पास दो हैं, या तो मैं मेट्रो से जाऊँ या कैब ले लूँ। और जिस हिसाब से मैं थका हुआ तो मैं कैब ही लूँगा, मैं मेट्रो से नहीं जाऊँगा, तो मैं कैब ही ले लेता हूँ। अब कैब के लिए एक तो सामने वाली तो महंगी है यार, यहाँ पे भी एक ओला की तरह ऐप है, उसे यूज़ करेंगे ग्रैब करके। और मैं जाऊँगा नीचे से अराइवल पिकअप, हाँ मैं नीचे से जाऊँगा, तो ग्रैब ऐप को इंस्टॉल करता हूँ और उससे करूँगा मैं भाई। देखो कहाँ ले जा रहा हूँ मैं ट्रोल, ब्रेक मार दूँ ना। ओ वाह 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 वाह, ये मतलब इसको इग्नोर करो, इस वाले बैग को, ये देखो मस्त जा रही है। एंड वो देखो यार, ये सी इतना फीचर है ना, ये फैन से घूम रहा है यार, पता नहीं क्या, चल नहीं रहा बट घूम रहा है सी। लग रहा है ना महागुन वाली ये स्टेयर है भाई, महागुन मॉल की। पहले महागुन मॉल में आई थी भाई ये, गाजियाबाद में। मुझे लग रहा है पहले यहाँ आई होगी फिर महागुन मॉल में आई होगी। चलो भाई फटाफट फटाफट, ये सही है भाई, अपने छोड़ दो भाई, मस्त। इधर से लिफ्ट भी जा रही है वैसे तो, लिफ्ट नहीं यार। तो भाई फाइनली फाइनली मैं कैब ही लूँगा, मेट्रो से तो नहीं जा रहा मैं, क्योंकि लगेज बहुत ज़्यादा है यार। और गर्मी भी यहाँ पे ऐसी है जैसा इंडिया जैसी लग रही है मुझे, बस यहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है, इंडिया जैसे नहीं। और यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती रहती है वीक में। तो फाइनली पहुंचने वाले हैं। फिर यहाँ पे भी ट्रैफिक लगा हुआ है बट इंडिया से कम है। बट यहाँ पे एक चीज़ का बेनिफिट है, लोग पहले ही अपनी कार थोड़ी पीछे लेके चलाते हैं। इंडिया में तो बिल्कुल बम्पर टू बम्पर करते हैं ना, तो वहाँ पे एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, बट यहाँ पे नहीं है ऐसा कुछ। कितनी रोड्स क्लीन है, तो इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।